सदन प्रभात मीडिया में आपका स्वागत है, मैं प्रीति शुक्ला। आइए ले चलती हूँ आपको आज दिन भर की बड़ी खबरों की। कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवानों ने दिखाई दमखम, महिला पहलवानों ने भी दिखाया दंगल में जोर। भदोही में चौरी क्षेत्र के परशोत्तमपुर में रविवार को कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रदेशों के महिला एवं पुरुष पहलवानों ने हिस्सा लिया और अपने हुनर का परिचय दिया। दंगल की शुरुआत कालीन निर्यातक अख्तर अली ने फीता काटकर किया और कई मजेदार कुश्ती देखने को मिली। प्रतियोगिता में दिल्ली और वाराणसी के पहलवानों का काफी दबदबा रहा। प्रमुख रूप से जीत हासिल करने वाले पुरुष पहलवानों में बजरंगी पहलवान, राणा पहलवान, किशन पहलवान, संदीप पहलवान, आरिफ पहलवान प्रमुख रूप से रहे। वहीं महिला पहलवानों में सोनम पहलवान व राधा पहलवान ने अपना परचम लहराया। विदित हो कि इस कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में करीब 2 दर्जन पहलवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कुश्ती संघ के संजय सिंह के अलावा शशिकांत राय चुन्ना, राजेंद्र प्रसाद सिंह, शैलेंद्र सिंह सरदार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह समेत क्षेत्र के काफी लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने पहलवानों को माला पहनाकर कुश्ती की शुरुआत की। आयोजक पंकज सिंह व नीरज सिंह ने आए पहलवानों को पुरस्कार वितरित कर तथा दूर दराज से आए लोगों के एक तरफ तेंदुए है, दोनों पैर में मेकअप, काला मेकअप लगाया हुआ है, एक बनारस का पहलवान है, इधर दिल्ली का पहलवान है काली चड्डी में। स्वस्थ समाज का जो है निर्माण करना है तो स्वस्थ शरीर का निर्माण होना जरूरी है, इसलिए गांव में जो है हम लोगों के बीच में अब प्रतिस्पर्धाएं खत्म हो गई और शारीरिक विकास खत्म हो रहा है, उसके उद्देश्य से कि शारीरिक विकास मैक्सिमम जो है हो और लोग जो है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य सही रहेगा तो स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा, जिससे कि लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और जो है समाज आगे जाएगा। इसी उद्देश्य की वजह से हम लोग हर साल जो है इस खेल का आयोजन कराते हैं। इसमें जो है कि महिला पुरुष दोनों वर्ग के जो है और जो है नवयुवक जो है को हम लोग ज़्यादा प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। इसमें महिला पहलवान भी आती हैं और पुरुष पहलवान भी रहते हैं और जो है यह होता है कि मैक्सिमम जो है लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धाएँ हों और जो है एज का कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन 35 से 40 तक मैक्सिमम। संजय सिंह बबलू, ज्वाइंट सेक्रेटरी भारतीय कुश्ती संघ जी। यह जो दंगल का आयोजन है यह ग्रामीण परिवेश के पहलवानों के लिए है, इसमें से नए नए पहलवान जो निकलते हैं उभरते हुए पहलवान हैं, इसी में से फिर आगे जाते हैं, आगे जाकर के लड़ते हैं जिला स्तर पर, जिला स्तर से स्टेट स्तर पर, स्टेट से फिर नेशनल में जी। संघ के तरफ से हर जिले में 3-3, 4-4 साई के सेंटर बनाए गए हैं, जैसे बनारस में गया सेठ है, कोरौता में है, वहाँ ये सब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उनमें से जो बच्चे चुन करके आते हैं जिला में जो फर्स्ट आएंगे फिर वो आगे जाएंगे, आगे से नेशनल में जाएंगे। बालिकाओं का अलग है, पुरुषों का अलग है, दोनों का अलग अलग है। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभार समाचार को सब्सक्राइब करें।